आशा वाव स्मराद भुयः ये तो स्मृति से भी बड़ी है आशा आशा की डोर को पकड़ करके व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है स यह आशां ब्रह्म इति उपास्ते आशया अस्य सर्वे कामा समृद्ध्यन्ति ही अस्य आशीषो भवन्ति कितनी बड़ी बात कह रहे हैं स वह व्यक्ति यह आशां ब्रह्म इति उपास्ते जो इस आशा को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है माने आशा कभी नहीं छोड़ता है जैसे बोलते हैं ना जब तक श्वास तब तक आस तो उसका मतलब यही है कि जब तक जीवन है तब तक आशा नहीं छोड़नी चाहिए तो चमत्कार घटित तो हो जाते हैं, तो किसी किसी रोगी को जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो लगता है कि भाई इसमें बचने के कोई चांस तो नहीं है लेकिन फिर भी उनके जो संबंधी हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं भाई नहीं जब तक शरीर में श्वास है प्राण है तब तक तो आशा लगा के रखना चाहिए तो जो आशा लगा के रखते हैं और ऐसी दुआएं करते हैं और खुद रोगी भी ऐसी अपनी मनोवृत्ति रखता है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हो सकता है तो वो फिर ऐसे बड़े बड़े रोगों से भी बाहर निकल आते हैं कैंसर जैसे रोगों से ठीक हो जाते हैं तो ये क्या है जीवन की आशा आत्मविश्वास स यह आशा ब्रह्म उपास सर्वे कामा काम इस आशा के कारण इसकी सभी कामनाएं समृद्ध्यंती पूरी हो जाती हैं, समृद्ध हो जाती हैं। जो भी उसकी शुभ कामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं आशा के कारण तो व्यक्ति को आशा नहीं छोड़नी चाहिए अमोघा ही अस्य भवंती और इसके आशीष अमोघ हो जाते हैं, हम्म इसके आशीर्वाद जिसने जिसने कभी आशा नहीं छोड़ी, पुरुषार्थ किया तो अब इसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि ये दूसरे को भी प्रेरणा दे सकता है ना आशीर्वाद क्या है जो हमने जिया है वो दूसरे को बताना तो उनका प्रभाव कब पड़ता है व्यक्ति के ऊपर सुनने वाले के ऊपर जब उस व्यक्ति ने खुद वैसा जिया है तो ये है आशीष तो बड़ों से आशीष क्यों लेते हैं क्योंकि बड़ों ने खुद वैसे जिया है तो इसलिए व्यक्ति विश्वास करता है कि मैंने अपने गुरु का आशीष ले लिया मेरे गुरु ने मेरे को आशीष दे दिया अब मैं इस काम को कर पाऊंगा परीक्षा देने जाते हैं तो माता पिता का गुरुजनों का आशीर्वाद क्यों लेते है? मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद क्यों लेते हैं? क्योंकि हनुमान जी ने अपने जीवन में सफलताएं पाई हैं। तो इसलिए अगर हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया तो हमें भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ये व्यक्ति का जो विश्वास है ये विचार हनुमान जी आशीर्वाद किसी को दें, किसी को ना दें, ऐसा नहीं है वो तो सबके लिए एक ही जैसी है मंदिर की मूर्ति तो पर किसी के मन में ये विचार उठ गया कि मुझे आशीष मिल गया और मैं इस इंटरव्यू में इस परीक्षा में पास होने ही वाला हूँ ये विचार उसको पास करवा देता है और किसी को मंदिर में जाके भी ये लग रहा है कि आशीर्वाद तो ले लिया पर पता नहीं कल युग देवता के आशीर्वाद भी फलते हैं कि नहीं फलते हैं पता नहीं इंटरव्यू में कौन कैसा खड़ूस मिलेगा पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो फेल होने ही वाला है क्योंकि उसका ये जो डावाडोल विचार है ना ये ही उसको फेल करवा देगा देवता नहीं फेल करवाते तो इसलिए कुछ फिर आके देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं कुछ ब्लेम करते हैं ऐसे माता पिता को कुछ आकर के धन्यवाद देते हैं कि आपके आशीर्वाद से हो गया और दूसरे आके ब्लेम करते हैं बोले मुझे पता ही था कि मेरे को कभी तुमने दिल से आशीर्वाद दिया ही नहीं तो ये फेल होना ही था तो वो कहते भैया हमने तो दिल से ही दिया था हम क्या करें तो क्योंकि इसका अपना मनोबल अपनी आशा अपना विश्वास वो रहा था था तो इसलिए असफल होना ही था। व्यक्ति का खुद का चित्त जब तक बेचैन है समाहित नहीं है तब तक वो कोई उपलब्धि नहीं कर सकता है और आशीर्वाद भी उन्हीं को ही मिलते हैं जो स्वयं अपने आशीष अपने साथ रखते हैं। आपको आपकी आत्मा का ही आशीष नहीं मिला तो दूसरा कौन आशीष दे देगा इसलिए अपना आशीर्वाद व्यक्ति को जरूर बना के रखना चाहिए पांडवों ने अपने आशीर्वाद अपने साथ बना के रखे इसलिए गांधारी भी हमेशा उन्हीं को आशीर्वाद देती थी अपने वाले को नहीं देती थी अपने वाले को बोलती थी चिरंजीवी भव उनको बोलती थी विजयी भव क्योंकि उसको भी पता था कि जीत इन्हीं की होनी है क्यों क्योंकि उनके अंदर इतना आत्मबल है उन्होंने पहले यह तय कर रखा है कि जीत हमारी ही होनी है जीत हमारी क्यों होनी है क्योंकि हम सत्य पे प्रतिष्ठित हैं क्योंकि हम धर्म पे प्रतिष्ठित हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता है तो जब व्यक्ति स्वयं ऐसा दृढ़ निश्चय रखता है अपने मन में कि मैं अपने सत्य के ऊपर आरूढ़ हूँ मैं अपने धर्म पे आरूढ़ हूं मुझे कौन हरा सकता है कोई नहीं हरा सकता है मुझे तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसके आशीष कैसे हो जाते हैं अमोघ अमोघा ही अस्य आशीषो भवंती इस व्यक्ति के जिसने कभी आशा की डोर को नहीं छोड़ा और हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखता है एक व्यक्ति ने एक अपनी वो बताई मेरे को कहानी बताई सच्ची ही घटना है ये बोल जी मेरा एक दोस्त था और वो मतलब बहुत जब से पढ़ाई करता था तब से मैं उसको जानता हूँ बड़ा निश्चिंत सा रहता था और उसके जीवन में बहुत तरह की बाधाएं आई लेकिन वो हर बार ये कहता था कि भाई ये बाधा तो आ गई लेकिन मेरा भाग्य बहुत अच्छा है मेरा बहुत गुड लक है, मैं कहीं ना कहीं से निकल ही जाऊंगा कई बार बहुत बाधाएं आई जीवन में और कोई ना कोई ऐसी शक्ति आती वो मुझे निकाल देती है और वो सचमुच ही निकल जाता था बहुत सारी आई परिस्थितियां और फिर भी निकल ही गया वो मेरे को ये लगता था कि भाई अब की बार तो गया काम से फस गया तो बोले मैं फंसता ही चला गया वो निकलता ही चला गया तो बाद में मैंने पूछा कि भाई ऐसा भी क्या है कि उन्हीं परिस्थितियों से तू बाहर निकल जाता है और मैं फंस जाता हूँ तो उसने बताया कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भगवान मेरे साथ है पर मैं निकल ही जाऊंगा मेरा भाग्य बहुत अच्छा है अब इस एक विचार ने उस व्यक्ति को पूरे जीवन में सब परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया जिसने ये सोच लिया मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और जिसने ये सोच लिया कि मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मेरी किस्मत फूटी है मुझे कभी मिलता नहीं है कुछ वो व्यक्ति हमेशा असफल ही होगा क्योंकि उसने विचार ही क्या कर लिया मेरी किस्मत खराब है उसके इस विचार ने उसको हमेशा डुबोया कि मेरी किस्मत खराब है तो ये छोटी छोटी, छोटी चीजें हैं व्यक्ति को लगता है जी ऐसे कहने से क्या होगा बहुत कुछ होता है जैसा हम सोचते हैं जैसा हम बोलते हैं वैसा ही इस ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ हमारा नाता जुड़ जाता है और फिर वैसा ही हो जाता है तो कभी भी गलत नहीं सोचना वही सिखा रहे हैं ये विचार से लेकर संकल्प से लेकर के अवेयरनेस से लेकर के दिमाग सबके पास है सोचना सबको नहीं आता है मन सबके पास है मनन करना नहीं आता है आशा सबके पास है लेकिन उस आशा का सदुपयोग कैसे करें ये सबको नहीं आता है सबको भगवान ने वो शक्तियां दी हैं, कुछ कर जाते हैं कुछ सीख लेते हैं दूसरों से कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि नारद इस आशा को तू साक्षात ब्रह्म का ही रूप मान उपनिषदों में वायु के लिए आता है ना तो प्रत्यक्षम ब्रह्म प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्या वदिश्यामी सत्यम वदिश्या तेरे सामने जो भी बोलूंगा वो क्या बोलूंगा ब्रह्म ही बोलूंगा सत्य ही बोलूंगा तो किसी भी चीज को हम साक्षात ब्रह्म समझ करके और किसी को भी नहीं तो अपने हृदय में तो है ना ईश्वर ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति तो अपने हृदय में बैठे हुए उस ब्रह्म को ही साक्षी मान करके व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए सत्याचरण ही करूंगा पुरुषार्थ करूंगा नेक आचरण करूंगा आशा कभी नहीं छोड़ूंगा तो फिर उसको साक्षी मान करके हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से विजय हमारी होती है यावद आशया गतम तत्र अस्य यथा कांचारो भवति तो आशा का जहाँ तक क्षेत्र है वहां तक इस व्यक्ति की भी निर्बाध गति हो जाती है और रुकता नहीं है फिर आगे ही आगे बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि उसको नए नए आइडिया जाते रहते हैं फिर जो कहा जाते हैं ना उसमें गीता में भी पूछा समाधि का भाषा वो कैसे बैठता है कैसे चलता है कैसे सोचता है तो वहां ऐसा नहीं है कि वो कोई इस दुनिया से अलग रहता है तो कहता है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतन आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। ये बहुत बड़ी बात है वहां पे अपने आप से अपने आप में जो संतुष्ट है जो व्यक्ति अपने आप से अपने आप में संतुष्ट नहीं है उसको बाहर का जगत संतुष्ट कर नहीं सकता है फिर जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट है उसको सब संतुष्ट करेंगे फिर इसलिए विजय अपने से शुरू होती अपने मन से आत्मनीय व आत्मना तुष्ट और अपने आप से व्यक्ति अपने आप में कब संतुष्ट होगा जब वो 100 प्रतिशत अपने कर्तव्य का पालन करेगा असंतुष्टि हमें कब होती है जिस दिन जो करना था वो हम कर नहीं पाए तो व्यक्ति फिर पछताता रहता है उठना था चार बजे उठे नहीं तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते आप बिस्तर में तो पड़े रहे और दो घंटा छह बजे उठे चार बजे की बजाय आपको जो याद करना चाहिए था सूत्र जो पढ़ाई करनी चाहिए थी वो की नहीं आपने अब आप संतुष्ट नहीं हो सकते हो अब प्रसन्नता की स्थिति जिसमें प्रसन्नता नहीं संतुष्ट कब होंगे जितना याद करना था वो फटाफट याद करके सुना दिया जब उठना था उठे जितना व्यायाम करना था किया जितना प्राणायाम करना था किया जितना ध्यान करना था किया यज्ञ में भी एकाग्रता से बैठे अब आपको कोई असंतुष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि अपने आप में अपने आप से जो संतुष्ट है उसको कौन असंतुष्ट कर सकता है कोई नहीं कर सकता है फिर तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जो आशा लगा करके रखता है हमेशा तो जहां तक आशा का क्षेत्र है गति है वहां तक ये भी निर्बाध गति से चला जाता है आशा को पकड़ करके यह आशा ब्रह्म इति जो इस आशा को ही ब्रह्म समझ करके उपासना करता है अस्ति भगव आशाया भूय आशा से भी बढ़कर के कोई चीज है क्या आशाया वाव भुयो अस्ति इति, हाँ नारद आशा से भी निश्चित रूप से बड़ा है तन में भगवान ब्रवीत इति, तो फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए प्राणो वा आशाया भूयान यथावा अरा ना समर्पिता एवं अस्मिन प्राणे सर्व समर्पित प्राण प्राणेन याति प्राण प्राण ददाति प्राणो है पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण स्वसा प्राण आचार्य प्राणो ब्रह्मण तो महाराज जी बोलते रहते हैं इस मंत्र को तो बहुत ठीक है प्राणो व आशाया भूयात ये प्राण हैं ये आशा से भी बड़े हैं अब प्राण तो सबको मिले हैं प्राणियों को आशा भी व्यक्ति कब तक लगा के रखता है जब तक प्राण है प्राणी निकल जाए तो क्या आशा करेगा तो मेरे को प्राणों की पूंजी दे रखी भगवान ने कितनी कीमती पूंजी है एक पल कोई जीवन उधार नहीं दे सकता है चाहे कोई किसी का कितना ही प्यारा क्यों ना हो जिस दिन भगवान ने प्राण निकाल दिए अब कोई नहीं दे सकता है प्रार्थना करते हैं ना भेजा था तुझको जग में करने को कुछ भलाई किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा अंतिम समय कहेगा कमा लू लेकिन एक पल पथिक ना कोई जीवन उधार देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विदाता अनमोल प्यार देगा अंतिम समय व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो गया जीवन तो, तो कुछ तो कर लूं लेकिन अब तो आपको कोई एक पल के लिए भी जीने की अनुमति नहीं देगा और आज के दिन जो जीने की अनुमति दे रखी है तब तब हम सोए हुए हैं हमें नहीं पता है क्या पता आज का दिन मेरे लिए अंतिम दिन हो तो आज का दिन कैसे जीना चाहिए जो करना है वो सौ प्रतिशत करना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ क्योंकि क्या पता कल हो या ना हो भोगी लोग ऐसे सोचते हैं, भोगी लोग हैं वो एक एक दिन को कैसे सोचते हैं कि पता नहीं कल हो या ना हो आज वाले दिन को कैसे जीवो पूरी मोज मस्ती से जीवो और ये आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचते हैं आज आज तो सो लेता हूँ कल से शुरू कर दूंगा सूत्र याद करना आज आज तो आराम कर लेता हूं आलस्य थोड़ा कल से प्राणायाम शुरू कर दूंगा तो क्या पता कल होगा कि नहीं होगा इसलिए ये प्राण हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी है वा आशाया जैसे अरे चक्र होता है ना रथ का या किसी भी गाड़ी का तो उसमें एक नाभि होती है बीच में सेंटर और उसमें अरे जुड़े होते हैं छे आठ दस चक्र की तो उन सब अरों को थामने वाला कौन है वो नाभि। तो वो ही कह रहे हैं कि यथा नाभ अरा समर्पिता जैसे नाभि में अरे समर्पित रहते हैं वो लकड़ियां उसमें लगी रहती हैं नाभि में एवं अस्मिन प्राणे सर्वम समर्पितम वैसे ही इस प्राण में सब कुछ समर्पित है चाहे वो इंद्रियां हैं हमारी चाहे वो हमारी आशा है चाहे वो अच्छे विचार हैं चाहे अच्छे भाव हैं, चाहे संकल्प है चाहे ज्ञान विज्ञान है जो भी अब तक बताया वो सब का सब किस में ओता प्रोत है प्राण में प्राण के आश्रय से ये सारी चीजें टिकी हुई हैं, ये है नाभि। प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर तो उसके आश्रय से नाभ समर्पिता एवं अस्मिन प्राणे सर्वम समर्पितम वैसे इस प्राण में सब कुछ समर्पित है तो प्राण प्राणेन याति प्राण ये जो प्राण है ये प्राणेन याति प्राण के द्वारा ही आगे जाता है गति करता है प्राण भी प्राण के द्वारा ही आगे गति करता है आत्मा को कहीं अगले जीवन में जाना है तो कैसे गति करेगा प्राण के द्वारा ही और इस जीवन में भी व्यक्ति जिंदा है तो किसके द्वारा है प्राण के द्वारा ही हम जीवित हैं हमारे पास जीवन है तो इसकी क्या पहचान है क्योंकि हमने प्राणों को धारण किया हुआ है जीव प्राण धारणी और हम मर गए कैसे पता लगा प्राण नहीं चल रहा है मृंग प्राण त्यागे तो मृंग धातु से मृत्यु शब्द बनता है फिर प्राण प्राणे न्याती प्राण प्राणम ददाती प्राण ही प्राण को प्राण शक्ति देता है तो यहाँ एक प्राण का अर्थ है ईश्वर ईश्वर क्या है प्राणों का भी प्राण प्राण प्राणम ददाती प्राणाय ददाती और कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो वो किसके लिए देता है प्राण के लिए ही देता है मानो कोई अपने गुरुजनों को कोई किसी देवी देवता को किसी विद्वान को किसी आचार्य को कोई भेंट देते हैं तो किसको देते हैं प्राण के लिए देते हैं अगर उस शरीर से प्राण निकल गया तो तब देंगे क्या तब नहीं देते हैं और देते हैं तो वो नादान है कुछ तो देते हैं ना प्राण निकलने के बाद अभी तो थोड़ा सा तो उल्टा हो गया उपनिषद से प्राण रहते समय नहीं देते हैं प्राण निकलने के बाद देते हैं श्राद्ध करते हैं ना जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक तो उनको पानी भी नहीं देते हैं पीने के लिए और जब उनके प्राण निकल गए तो उनके नाम पे फिर खीर बना के देते हैं फिर दूध भी मिल गया चावल भी मिल गई इलायची नारियल चीनी सब मिल गया फिर फिर इतना अच्छा भोजन देते हैं। तो वो तो मिलता तो है नहीं उसको लेकिन जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है जो देने वाले हैं वो प्राण के लिए ही देते हैं प्राणाय ददाती क्योंकि प्राणो है पिता कोई पिता पिता रूप में किसके कारण है प्राण के रूप में जब प्राण निकल गए तो अब इस पिता को उठा करके अग्नि में जला देते हैं जब तक उसमें प्राण था तब तक उसको प्रणाम करते थे और उसको उसका कुछ भी मतलब उसकी इंसल्ट नहीं करते थे लेकिन जैसे ही प्राण निकला तो पुत्र उठा के उसको कितनी उसकी दुर्दशा करते हैं कि आग में डाल दिया उसको और उसके सिर जला नहीं तो उसको बांस मार के तोड़ दिया बीच में से ताकि पूरा जल जाए और जिंदे पिता को कोई ऐसे मारे तो उसको क्या कहेंगे हत्यारा कहेंगे और यहाँ उसको क्या कहते हैं भैया इसने पुत्र का धर्म निभाया अपने पिता को उठा के आग में डाल दिया <laughs> तो इसलिए कहा प्राण पिता प्राणो है पिता प्राण माता माँ को कोई प्रेम कर रहा है इसका मतलब वो उस शरीर में रहने वाले प्राण से प्रेम करता है प्राण निकल गए तो वो ही जो इतनी प्रिय थी उसको उठा के अग्नि में डाल देते हैं फिर प्राण पिता प्राण माता प्राण भ्राता प्राण स्वसा प्राण आचार्य प्राणो ब्रह्मण जिस जिस रूप में भी हम किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं सेवा करते हैं चाहे माँ के रूप में पिता के रूप में भाई के रूप में बहन के रूप में आचार्य के रूप में या ब्रह्म के रूप में तो वो सब जगह किसकी उपासना है प्राण की ही उपासना है तो इस ये, ये प्राण तो सबके पास है तो प्राण को हम ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करें तो कैसे उपासना करेंगे प्राण की ब्रह्म समझ के क्या करोगे प्राण के लिए प्राण की उपासना कैसे करेंगे प्राणायाम प्राणायाम करके खत्म उपासना प्राण की उपासना कैसे करेंगे क्योंकि ये तो सबसे महत्वपूर्ण है और आप प्राणायाम भी करते हो प्राण को सशक्त बना के जितनी भी इंद्रियां कार्य कर रही हैं वो सब प्राण के माध्यम से ही तो कर रही हैं हमारी वाणी किससे बोल रही है प्राण के माध्यम से दृष्टि चक्षु किससे देख रहे हैं प्राण के माध्यम से श्रोत्र किससे सुन रहे हैं प्राण के सब जगह प्राण काम कर रहा है जो हमने खाया उसके सप्त धातुएं बन रही हैं प्रतिदिन दो दो बार खाते हैं ये कौन कर रहा है इतना पुरुषार्थ प्राण हमारा हर्ट प्रतिपल अशुद्ध खून को बुलाता है शुद्ध खून की सप्लाई करता है अशुद्ध को फिर फेफड़े में भेजता है शुद्ध होने के लिए ये सब कौन कर रहा है प्राण सारी जितनी भी एक्टिविटी चल रही हैं, बाहर या अंदर वो सब किसके माध्यम से हो रही हैं? प्राण के माध्यम से तो प्राण की उपासना क्या है इन सब कार्यों को किस भाव से करना पूजा भाव से यज्ञ भाव से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तर श्रेष्ठ तम उनको बनाना यही प्राण की उपासना है यही प्राण का सदुपयोग है यही प्राण का सम्मान है यही प्राण की पूजा है क्योंकि उसी प्राण शक्ति से आप इन हाथों से किसी की हिंसा भी कर सकते हैं और उसी प्राण शक्ति से इन हाथों से किसी की सेवा भी कर सकते हैं उसी प्राण शक्ति से आप इस वाणी से किसी नीचे गिरे हुए को उठा भी सकते हैं और इसी वाणी से किसी अच्छे भले काम करते हुए व्यक्ति को गिरा भी सकते हैं प्राण ही तो है ये शब्द ही तो हैं एक शब्द ऐसे हैं जो किसी बिल्कुल हताश निराश व्यक्ति में एक नया जीवन जगा देते हैं और एक ऐसे शब्द होते हैं कि अच्छा भला जीवन चल रहा था उन शब्दों ने जीवन ही तबाह कर दिया तो इन शक्तियों का सदुपयोग या दुरुपयोग ये उपासना या अपमान करना है तो हम शक्तियों की प्राण की उपासना करें इसका अभिप्राय क्या है सारी शक्तियों का सदुपयोग करना कल परसों श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमें अपने जो सदगुण है उनको कत्ल नहीं करना चाहिए कत्ल कर देते हैं हम अपने प्रेम को करुणा को वात्सल्य को ममता को क्षमाशीलता को सहनशीलता को हम कत्ल कर देते हैं, हैं हैं कर देते देते मतलब सीमित बना देते हैं। हमें क्या करना चाहिए उनको विस्तार करना चाहिए ये प्राण की उपासना है तो फिर ये प्राण हमारी रक्षा कैसे करते हैं पिता की तरह माँ की तरह भाई की तरह बहन की तरह आचार्य की तरह और ब्रह्म की तरह ईश्वर की तरह ये प्राण हमारी रक्षा करते हैं, हैं हम इनकी रक्षा करते ये हमारी रक्षा करते हैं इंद्रियां देव हैं, हम देवों की रक्षा करेंगे तो देव हमारी रक्षा करेंगे हम देवों का अपमान करेंगे तो देव हमारा अपमान करेंगे तो ये अपने आप में ही व्यक्ति को ये देखना होता है खुद ही साक्षी है कि मैं इन चीजों का सदुपयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ या अपमान कर रहा हूँ जैसा हम करेंगे वैसा हमारे को मिल जाएगा। तो कह रहे हैं ये प्राण की ही महिमा है स यदि पितरम व मातरम व भ्रातरम व स्वसारम व आचार्यम व ब्राह्मणम व किंचित भृशम इव प्रत्याह धिक अस्तुत्वया एवं एनम आहु पित्री हावई त्व असी मात्री हावई त्व असी भ्रात्री हावई त्व असी स्वसत्री हावई त्व असी आचार्य हावई त्व असी ब्रह्मण हावई त्व असी कहते हैं ये प्राण की महिमा है अगर कोई जिस शरीर में प्राण है और ऐसे प्राण वाले पिता को अगर कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करे तो उसको व्यक्ति क्या कहेंगे तो अपने पिता का हत्यारा है क्योंकि माता पिता के साथ मिसबिहेव करना ही क्या है उनकी हत्या करने जैसा ही है मातरम वा, वा, कोई अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करे तो क्या कहेंगे उस व्यक्ति को वे तो तुझे दिकार है तू अपनी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है वास्तव में ये कब कहा जाता है जब उसके अंदर प्राण है कोई अपने भाई को अपनी बहन को आचार्य को किसी ब्राह्मण को अगर वो थोड़ा सा भी किंचित भृषम इव प्रत्याह थोड़ा सा भी कोई उल्टा बोलता है बुरा व्यवहार करता है तो उसको क्या कहा जाता है धिक अस्तु तुझे धिक्कार है मतलब वो कभी हमें डांट भी दें तो भी हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए यही शास्त्र की आज्ञा है और ऐसा करके व्यक्ति बड़ा बनता है और इससे विपरीत करके व्यक्ति छोटा बन जाता है तो धिक्वा इति एनम आहू ऐसे इस व्यक्ति को दूसरे लोग कहते हैं पित्री हावई भाई तो, तो पिता का हत्यारा हत्या हावई तो मसी माता का हत्यारा है भ्रातृ हावई तो मसी तो बहन का हत्यारा है तो भाई का हत्यारा है आचार्य का हत्यारा है माने उनका अपमान करना उनकी आज्ञाओं को न मानना यही उनकी हत्या है और व्यक्ति आत्महत्यारा भी होता है आत्मा की भी हत्या करता है माने आत्मा के जो अभी बताए ना प्रीति का विस्तार करना करुणा का विस्तार करना क्षमा का विस्तार करना ये ही आत्मा की भक्ति है पूजा है उपासना है और इनको कत्ल कर देना ही आत्महत्या है आत्महत्या फांसी लगाना थोड़ी ही है उससे तो शरीर की हत्या होगी आत्मा की हत्या नहीं होगी आत्मा के जो गुण है वैसा आचरण न करना यही आत्महत्या है तो इन प्राणों के रहते हुए अगर कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसको उसका हत्यारा माना जाता है माता का पिता का भाई का का पिता भाई बहन लेकिन जब उस शरीर से प्राण निकल गई तो उसी भाई को बहन को माँ को पिता को आचार्य को ये व्यक्ति उठा के अग्नि में डाल देता है तो फिर उसको कोई भी हत्यारा नहीं कहता है तो इसका मतलब प्राण की ही ये सारी महिमा है तो जो इस प्राण की महिमा को इसकी शक्ति को जान लेता है तो इस प्राण शक्ति से फिर वो जीवन में अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है ये ही प्राण की उपासना है तो प्राण से भी बढ़कर के कुछ है क्या तो ये गुरु जी जो बताएंगे इसको फिर हम कल पढ़ेंगे आज यही पाठ को विराम देते हैं ओ... शांति 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 गुरुभ्यो नमः